मुझे बस टॉपिक के नाम बता दीजिए। अच्छा, इस साल से तो सिस्टम ये हो गया ना कि SA1 SA2 कुछ अलग अलग नहीं है, सब कुछ एक साथ ही है जो कुछ है ना। तो टॉपिक के नाम बताइए बस। स्टैटिक्स, स्पेलिंग गलत है ना? सुनिए ध्यान से, मैंने ट्रायंगल दोनों जगह लिखा है, सर्कल दोनों जगह लिखा है। ये जो टॉपिक है नॉट रिलेटेड टू IIT JEE, यस, और ऑल आर रिलेटेड टू ठीक। ये सारे टॉपिक सुहाग पढ़ाएगा, ये टॉपिक कौन पढ़ाएगा? लक्की दुबे सर। अब सुनिए ध्यान से, मगर एक बार वो ट्रायंगल पढ़ा लेंगे फिर एक बार मैं भी पढ़ाऊंगा, एक बार सर्कल वो पढ़ा लेंगे फिर मैं भी पढ़ाऊंगा। तो सिर्फ उनके भरोसे कौन से तीन टॉपिक गए? स्टैटिस्टिक्स नॉट सिलेबस ऑफ IIT JEE एडवांस्ड, रियल नंबर नहीं है। कंस्ट्रक्शन, तुम्हें OMR पे कंस्ट्रक्शन बनाने को बोलेंगे क्या? बात समझ रहे हो आप? तो जो IIT से रिलेटेड है वो मेरे अकाउंट में, जो नहीं है वो इनके अकाउंट में। तो आपका फ्रंट पेज लिखो ऊपर, फ्रंट पेज नहीं, एक आध पेज छोड़ना, क्योंकि अपन इंपॉर्टेंट फार्मूले शुरू के पेजेस में लिखेंगे। तो एक या दो तीन पेज छोड़कर ये वाली हेडिंग डालो, और उस हेडिंग के नीचे ऐसा लिखो, लक्की सर ये टॉपिक नॉट रिलेटेड टू JEE, और सुहाग के नीचे ये टॉपिक रिलेटेड टू JEE। और ये सुहाग की लिस्ट पूरी नीचे तक जाने देना, साइड में मत लिखना, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। अरे सोनू, डन बच्चा लिखा है, इसको मिटा दूं? तो बच्चा मेरे डिपार्टमेंट में ये चीज है जो अभी आप लोगों की स्टार्ट हुई, ये यदि आपको चाहिए जल्दी तो मैं इसकी क्लास संडे को लगवा दूंगा। साइंस भी तो स्टार्ट हो गया होगा ना स्कूल में, तो परसों जब आप आएंगे, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे, तो 4 to 6 लगेगा आपका क्या साइंस, और लगभग 6:10 से लेकर लगेगा 8:10 तक क्या, ठीक है? क्योंकि मुझे उधर से इधर आने में 10 लगेंगे, बच्चे डाउट आउट भी पूछते हैं। तो मैं अब क्या चालू करूं? तुम जो बोलो मैं कर सकता हूं बिना किसी नोट्स मटेरियल के, आप बस बोलो मैं क्या चालू करूं। अच्छा एक चीज, ये चैप्टर जिनका स्टार्ट हुआ है ये उनको सरल महसूस हो रहा होगा, लीनियर इक्वेशन किस किस को चालू हुआ? एक ही हो? अच्छा ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री किस किस को हुआ? उसमें भी एक है, रियल नंबर में इतने सारे। ओके ठीक है, एक काम करते हैं, आप लोग कल वाले दिन आ सकते हैं क्या, रियल नंबर स्पेशली पढ़ने के लिए, क्योंकि इतने सारे बच्चों का रियल नंबर है और वो मेरे अकाउंट में नहीं है, इसलिए स्पेशली कल एक दिन आ सकते हैं क्या? मैं चाहता हूं कि हम आपको ज़्यादा सर्विस दें, ठीक? तो अभी मुझे याद दिलाना, थोड़ी देर बाद मैं लक्की सर को फ़ोन करके पूछूंगा, यदि वो कल भोपाल में हैं तो। कल कौन सा दिन? ट्यूसडे, ठीक है, एक दिन के लिए 4 hours, 4 PM टू सीधा 8 PM, बीच में ब्रेक देंगे हम आपको रेस्ट का 10 का, और हम आपको क्या पढ़ाएंगे? रियल नंबर्स बाय लक्की सर, ठीक है बच्चा? यदि 4 में कंप्लीट हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपसे पूछेंगे, आप हाँ बोलोगे तो ज़रूरत होगी तो एक दिन और लगा देंगे, ठीक है? तो कल कितने लोग
आ सकते हैं 4 से 8, वो हाथ उठाओ। कल यदि बुलाएं तो आ सकते हैं। बच्चा आपको रियल नंबर नहीं है, हुआ अभी स्टार्ट, मगर आप आ सकते हो क्या? ठीक है ठीक है। हम एक काम करेंगे, इसकी रिकॉर्डिंग भी कर लेंगे कैमरे से, तो उससे ये फायदा होगा कि जैसे ये दो बच्चे नहीं आ पा रहे तो ये किसी और दिन रिकवरी ले लेंगे, ठीक। और फिर बाद में सुकून से रियल नंबर हम फिर से भी पढ़ा देंगे, ये हड़बड़ी में पढ़ाया फिर सुकून से, ठीक है। अच्छा सुनिए, ये जो लीनियर इक्वेशन चैप्टर है इसके बारे में बताऊं, इसमें बोर्ड पे देखो बच्चा, अटेंडेंस बाद में देना, अपन पढ़ने आए हैं, अटेंडेंस तो साइड की बात है, मेरी बात सुनना। लीनियर, ध्यान से समझना, चेहरे से हाथ हटाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, सुनना। लीनियर क्या? लीनियर, लीनियर शब्द का मतलब जिसका हम ग्राफ बनाए तो लाइन बने। क्या? जिसका हम ग्राफ बनाए तो क्या बने बच्चा? स्ट्रेट लाइन बने, दैट इज कॉल्ड लीनियर। तो जब इक्वेशन ऐसी होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, बोर्ड पे देखना बच्चे अभी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो ध्यान से देखो इस पर पावर कितनी है? 1। इस पर पावर, वेरिएबल की पावर कितनी है? पावर 1 1। तो इसका जब ग्राफ बनाओगे तो क्या बनेगी? दैट्स वाई लीनियर इक्वेशन, इसका नाम क्या? लीनियर इक्वेशन। अब मेरी बात समझिए, ये इक्वेशन आपको ऐसी दिखाई देती है, 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, या कभी कभी 5 सामने भी होता है, नहीं अभी रखो बाद में देंगे, वजन रखो उस पर। अब सुनना बड़े गौर से, ये पानी बॉटल भरवा, दूसरी बॉटल कहाँ है? नहीं ये ठंडा हो जाएगा, वो रखे दूसरी, वो भरवा दो। सुनिए बच्चा, तो ध्यान से देखिए, अभी कुछ लिखना नहीं, अटेंडेंस बाद में देना। x की पावर कितनी बच्चा? y की पावर बच्चा कितनी है ना? अब गौर से सुनिए, हमें, हमको दो इक्वेशन देते हैं, क्या नाम है बच्चा, नाम क्या है देखिए आप, पेयर, पेयर ऑफ, बच्चा बोर्ड पे देखो पहले, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, x और क्या, y। तो दूसरी इक्वेशन उन्होंने मान लीजिए दे दी अपन को, 5x प्लस 7y प्लस 2 बराबर क्या, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हमसे कहते हैं फाइंड x एंड y। सीधे होके बैठो बच्चा, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, चेहरे से हाथ हटाओ, सुनो हमसे क्या कहते हैं, फाइंड x एंड y, x निकालिए और y की वैल्यू बताइए। तो सुनिए, इसको सॉल्व करने के 4 मेथड, सुनिए, इस पूरी इक्वेशन को यदि मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, इस पूरे इक्वेशन को मैंने काय से मल्टीप्लाई किया, 5, बड़े ध्यान से सुनो, तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 5 टू जा 5 3 जा और 5 5 जा इज इक्वल टू क्या, ठीक है। इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, तो 10x माइनस 10x 0, 15 एप्पल माइनस 14 एप्पल 1 एप्पल, 25 माइनस 4 21 इज इक्वल टू क्या, तो y बराबर बताइए क्या बचा, प्लस का 21 उस तरफ गया तो माइनस का 21, बड़े ध्यान से समझना, ये जो y की वैल्यू है इसे आप इसमें या इसमें किसी में भी पुट करो चलेगा। तो मैंने कहा पुट इन इक्वेशन 1, इसका नाम 1, इसका नाम क्या, ठीक है ठीक है। तो मैंने इसमें y की जगह पे क्या रख दिया, तो 3x सॉरी
2x माइनस प्लस 3 और y की जगह पे क्या माइनस 21 बगल में क्या प्लस 5 इज इक्वल टू क्या, तो 2x माइनस 21 3 जा 63 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या बचा, तो 5 माइनस 63 कितना बोलो ना, 2x माइनस 58 इज इक्वल टू क्या 58 सामने चला गया, तो 2x इज इक्वल टू, तो x बराबर क्या 29। ठीक, आंसर आ चुका है। यह सरल, बहुत सरल चैप्टर है। यदि किसी टीचर की ताकत पहचानना है कि वो कैसा पढ़ा सकता है, तो उससे हमेशा कठिन चैप्टर से शुरुआत करवाओ। आप समझ रहे बात को? ये इतना सरल चैप्टर है कि मैं इसे अभी पढ़ाने के मूड में नहीं हूं, फिर भी मैंने इसका एक कठिन क्वेश्चन आपको सॉल्व करके सिखाया। इसमें क्या कंसेप्ट है, हमको एक्स की वैल्यू निकालना है, और सीधे होके बैठो बच्चा, चेहरे से हाथ हटा के, हमको काय की वैल्यू निकालना है एक्स एंड वाई। ये इक्वेशन हमको दी थी, हमारा टारगेट क्या था, एक्स का कोएफिशिएंट दोनों जगह सेम करो, एक्स का कोएफिशिएंट दोनों जगह सेम करो। अब मेरी बात सुनो, 5 3 जा कितना होता है और 3 5 जा दोनों सेम होता है, तो हमने क्या सेटिंग करी, इस 2 में 5 का मल्टीप्लाई करो क्या बना, और इस 5 में किसका करो तो क्या बना। तो हम किसी एक मेंबर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इतने सारे बच्चे बैठे, मैं किसी एक को चॉकलेट नहीं दे सकता, बाकी नाराज हो जाएंगे, दूंगा तो सबको दूंगा। तो मैंने इसमें 5 नंबर का मल्टीप्लाई सब में किया, किसी एक में नहीं, और इसमें किस में किया, 2 में किया, 2 किया सब में मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया, सेम हो गया। हमने उठा के क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट, तो सिर्फ क्या बचा y, हमको क्या मिला आंसर। इस y को इन दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हो, इजी पड़ता है जिसका छोटा कोएफिशिएंट हो। यदि मैं इसमें करता तो भी आंसर x बराबर 29 आता, मगर मेरे लिए टेंशन क्या हो जाती, 21 7 जा ढूंढना पड़ता, 21 3 जा इजी था, तो जो छोटा है उसमें पुट करो तो जल्दी आंसर आ जाता है। तो मेरा यह कहना है कि पहले मुझसे यह चैप्टर पढ़ लो। 9th में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी क्या? नहीं, आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी, आप ट्रिग्नोमेट्री से परिचित नहीं है, और ट्रिग्नोमेट्री अचानक स्टार्ट होगी जब स्कूल में आप क्या हुई ना, रटवाते होंगे ना साइन 31/2 रटवाते हैं। सुनो तो दोस्त, मुझसे पूछो क्या कह रहे हो, तो सुनो तो, तुम लेट कमरे में घुसे ना, कल आपको आना है, सारे बच्चों को देखो लिखा हुआ है, कल ट्यूसडे 4 से 8 मैथ्स ही मैथ्स पढ़ाएंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे, आप लेट आए ना बच्चा, मतलब सारे बच्चों का रियल नंबर स्टार्ट हुआ है, तनाव का ये मामला है। और दूसरा तनाव क्या है, हमारे लक्की सर है वो शहर के बाहर है, आज रात को भोपाल पहुंचेंगे, उनको ये चैप्टर पढ़ाना है और मुझे ये चैप्टर्स पढ़ाना है। इसमें 2 चैप्टर कॉमन है, मैं भी पढ़ाऊंगा वो भी पढ़ाएंगे, तो बाकी सारे चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, सिर्फ ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो उनको पढ़ाना है, क्योंकि वो आईआईटी से रिलेटेड नहीं है, ये वाले आईआईटी से रिलेटेड हैं तो मैं पढ़ाऊंगा। तो ये चैप्टर मैं कल उनसे बात, अभी बात करूंगा फोन लगाकर, वो हाँ बोलते हैं तो कल आना। 4 घंटे में यदि खत्म हो जाता है, स्पीड में हड़बड़ी में पढ़ाएंगे, बाद में दोबारा ये चैप्टर फिर से सुकून से पढ़ाएंगे। ठीक है दादा, चलिए तो मेरी बात सुनो, ये एक सरल और बेहद सरल चैप्टर है। मैंने आपको ये हिंट दी ना,
आप घर जाके एक्सरसाइज करना, मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। यस, अब मेरी बात सुनो। ट्रिग्नोमेट्री नाम का चैप्टर है, हिंदी में इसको त्रिकोणमिति कहते हैं। अब मेरी बात सुनना, ये चैप्टर नाइन्थ क्लास में नहीं था, तो इस एक बच्चे के स्कूल में चालू हुआ है, ठीक है। इसको ये लोग रटवा रहे होंगे, वो हाँ बोल रहा है ना, साइन 30 डिग्री रट मारो 1/2, साइन 60 डिग्री रट मारो √3/2। अरे कहाँ से आई, कोई तो समझाओ। अच्छा मेरी बात सुनो, आपके स्कूल में मान लो रियल नंबर स्टार्ट हुआ, तो वो तो मैं कल करवा रहा हूँ, वो तो हम मना नहीं कर रहे, मगर क्या पूरे साल भर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाई जाएगी? पढ़ाएंगे ना थोड़े दिन बाद। और मान लो कि उस समय मैं कुछ और चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, स्कूल वाले मालूम क्या करते हैं, लो बच्चों एक्सरसाइज खोलो, पहला क्वेश्चन टीचर ने करा दिया, फिर क्या बोलता है टीचर, बाकी सारे खुद कर लेना। उनका एक दिन में चैप्टर खत्म होगा, रियल नंबर एक या दो दिन में खत्म, फिर लीनियर इक्वेशन एक या दो दिन में खत्म। मैं एक दिन में खत्म नहीं कर सकता, यदि मैं भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा तो कहीं और फिर मैथ्स पढ़ने जाओगे। सीधे होके बैठो, चेहरे से हाथ हटा के सुनो, ध्यान से सुनना। तो हम लोग रियल नंबर भी सुकून से पढ़ाना चाहते हैं, मगर हड़बड़ी में कल पढ़ा देंगे, ठीक है, बाद में दोबारा। लीनियर इक्वेशन भी मैं पढ़ाऊंगा तो मैं सुकून से पढ़ाऊंगा, इस पैटर्न से होने वाले कम से कम 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा, कठिन से कठिन। फिर चार मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसका नाम एलिमिनेशन मेथड, तीसरे का नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड, चौथे का नाम ग्राफिकल मेथड, ग्राफ बना के कटिंग पॉइंट ढूंढना। और ये सब पढ़ने के बाद वर्ड प्रॉब्लम्स, 1000 रुपए में 10 बेट आते हैं और 3 बॉल आ जाती है, क्या 1000 रुपए में 10 बेट और 3 बॉल, मगर 700 रुपए में 8 बेट और 2 बॉल आती है। तो बताइए एक बेट कितने का, एक बॉल कितने की, दैट इज कॉल्ड वर्ड प्रॉब्लम। कोई टेंशन नहीं, क्या बोला था मैंने, 10 बेट प्लस 3 बॉल्स इज इक्वल टू कितने रुपए, और फिर मैंने क्या बोला, कितने रुपए, चेहरे से हाथ हटाओ, 700 में क्या बोला था मैंने, 8 बॉल 8 बेट 2 बॉल, कोई दिक्कत नहीं, xy सॉल्व कर देना आंसर, कोई तनाव नहीं है। ये 2 है ना और ये 3 है, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 6 बनेगा, नीचे वाली को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बनेगा, मैं उठा के सबट्रैक्ट कर दूंगा, बॉल की कीमत बैट की कीमत अलग अलग आ जाएगी। तो मैथ्स की चिंता मत करो, हम पढ़ाएंगे तो सुकून से और डिटेल्ड पढ़ाएंगे। उस चक्कर में क्या होगा, एक चैप्टर खत्म स्कूल में, दूसरा खत्म और तुरंत वो ट्रिग्नो पर आएंगे, ट्रिग्नो को ज्यादा दिन रोक नहीं सकते, लाएंगे वो तुम्हारे सामने। और उस समय मेरा क्या चल रहा होगा, लीनियर चल रहा होगा या रियल चल रहा होगा, और आप ट्रिग्नो इतनी खतरनाक होगी आपके लिए कि आपसे बनेगी नहीं। और फिर तुम लोग क्या कहोगे, ये सब चैप्टर छोड़ो सर वो चालू करो, तो सब कुछ डिस्टर्ब चलेगा। अब मेरी बात सुनो, मेरी तरफ से एक प्रपोजल आपको, आज की क्लास भी मेरी रिकॉर्ड हो रही है कैमरे में, आप देखिए कैमरा रखा हुआ है ऊपर, ठीक, मेरी हर गतिविधि रिकॉर्ड हो रही है। अब मेरी बात सुनो, पिछले 5 साल से रिकॉर्डिंग है हमारे पास, तो सुनो, रियल नंबर हमारे कंप्यूटर में भी है, लीनियर इक्वेशन भी हमारे कंप्यूटर में है पिछले साल का, ठीक है। अब पिछले साल की वीडियो और इस साल की वीडियो में कोई चेंज थोड़ी होगा, क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं, थ्योरी तो सेम होती है। तो सुनो, यदि आपको बहुत अर्जेंट है क्या लीनियर इक्वेशन, तो तनाव मत लो, किसी एक आध दिन स्कूल की छुट्टी करना, सुबह 8:30 बजे मेरा ऑफिस खुल जाता है,
रात 8:30 तक खुला रहता है, दिन भर बैठना वीडियो पर, चैप्टर खत्म, और फिर मैं पढ़ाऊंगा इसको सुकून से। आप समझ रहे हैं बात को? क्या है कि अलग अलग स्कूल के बहुत सारे बच्चे हैं, सभी को एक साथ सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। तो मेरा कहना मानकर आप आगे बढ़ोगे तो आपको स्कूल में रिजल्ट दिखाई देगा कि यार मजा आ गया। ट्रिग्नोमेट्री जिस दिन चालू होगी ना, उस दिन दूसरे बच्चे माथा पकड़ के बैठे होंगे कि हो क्या रहा है। जैसे वो एक कार्टून आता था ना बचपन में, एलिस इन वंडरलैंड, एक लड़की होती है मासूम सी, वो ऐसी दुनिया में चली जाती है जहाँ पेड़ पे लड्डू उगते हैं, तो दुनिया देख के तुम हैरान हो जाओगे। ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए कुछ ऐसा होगा। और मैं क्या चाहता हूँ, सबसे कठिन चैप्टर स्टार्ट करूँ और तुम्हें उसका राजा बना दूँ। बोर्ड पे मैडम क्वेश्चन लिखेगी और तुम आंसर चिल्लाना। एक बार दो बार मैडम सुनेगी, फिर क्या बोलेगी? चुप रहो तुम, दूसरों को भी पढ़ने दो, तुम सीख कर आ गए इसका मतलब सब थोड़ी सीख कर आ गए। अरे यस। या फिर दूसरी घटना होगी, कौन सी घटना? उनसे नहीं बनेगा, तुमसे एक्सप्लेनेशन मांगेगी कि प्लीज बच्चे सिखा देना। ठीक, लीनियर इक्वेशन बहुत सरल है, मुझसे वो चालू मत करवाओ, तुमको मेरी ताकत समझ में नहीं आएगी। मेरी ताकत इधर देखो आप, ठीक है बच्चा? और अभी मेरे को फोन याद करवाना, याद दिलवाना, कल की क्लास यदि है तो रियल नंबर्स हम आपको लाइव दे देंगे। और यदि कल मान लो शहर में वो व्यक्ति नहीं है तो कोई चिंता नहीं, तुम सुबह से आ सकते हो, जब दिल चाहे आना, रियल नंबर की वीडियो देख लेना, कोई तनाव नहीं। वीडियो होने का ये फायदा है कि तुम कभी बीमार पड़ गए, एब्सेंट हो गए, अगले दिन आके देख लो, हम सेम डे वीडियो सर्वर में डाल देते हैं। ठीक, तो आज ये सब लिख लिया आप लोगों ने, ये तो कुछ काम का नहीं है, मिटा दूं? आप एक पेज छोड़ दो, मैंने कुछ काम की बातें बताई है, बाद में लिख लेना। ये हेडिंग जो आप लोगों ने डाली थी ना पिछले पेज में, उसमें आगे बढ़ो लिखो, उसमें ट्राई मतलब क्या, तीन गोन का मतलब मुझे मालूम नहीं है, साइड्स या एंगल ऐसा कुछ होता है। अरे साथ साथ में मत लिखो भाई, सीखने आए हो। अच्छा हेडिंग डाल रहे हो, हेडिंग डाल दो, मैट्री मतलब, ये अब सब लोग लिख लो, ये लिख लो अब आप। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको स्टडी पैकेज भी दे दूंगा, क्योंकि आज अपना कौन सा चैप्टर होगा स्टार्ट वो डिसाइडेड नहीं था। ठीक है, चलिए बड़े ध्यान से सुनना बच्चा। लिखिए, इन सिलेबस ऑफ क्लास 10th हियर ओनली राइट एंगल ट्रेंगल्स। आप लोगों का हिंदी मीडियम है क्या बच्चा? हमारे सिलेबस में सिर्फ समकोण त्रिभुज है। इन आवर सिलेबस हियर ओनली राइट एंगल ट्रेंगल्स। ठीक है, तो ऐसा लिखिए। अरे रुको रुको रुको, बड़े ध्यान से बनाना फिगर। एक साइड लंबी रखना, दूसरी छोटी, और इसका नाम ए बी और सी। ए बी सी नहीं, तो बी फोर बेस सो नहीं कर पाऊंगा। रुको रुको रुको, देखो 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 देखो, सुनना बच्चे, कुछ और नाम बताओ। पी क्यू आर भी नहीं रख सकते, चैप्टर का नाम रियल नंबर है ना? हाँ बोला है उन्होंने। बच्चा आप कोशिश करना आने की कि लाइव मिल जाए, क्योंकि आपके यहाँ भी रियल नंबर तो स्टार्ट होगा, फिर क्या करोगे? इसलिए कोशिश करना कि आ सको, नहीं तो रिकॉर्डिंग की हम कोशिश करेंगे। कल ट्यूसडे जरूर अटेंड करें। चैप्टर का नाम रियल नंबर्स, 4 PM टू 8 PM। ठीक है बच्चा। चलिए एक काम करते हैं, सुनो मैं तुम्हें एक बड़ी काम की बात बताऊं। सारे टीचर क्या बोलते हैं, ट्रेंगल को क्या मानो, ABC PQR। मैं नहीं मानता था, XYZ तो साइड्स होती है।
सुनिए, मैं नहीं मानता था जब मैं टेंथ में था, तो मैं नहीं मानता था। मैंने कहा क्यों एबीसी और क्यों पीक्यूआर? मेरा पूरा नाम आप लोगों को मालूम है क्या? नरेंद्र दामोदर मोदी। दामोदर इज एक्चुअली उनके पापा का नाम, तो हम गुजराती लोग फादर नेम को बीच में रखते हैं। सुहाग रमनिकलाल कारिया, तो मेरा शॉर्ट फॉर्म क्या हुआ? और एक बॉम्बे में रहता है, उसने मेरा नाम चुरा लिया, है ना? तो मेरी टेंथ की बोर्ड की कॉपियां खुलवा लो, मैं ट्रेंगल हमेशा क्या बनाता था, आप अपनी मर्जी से अपना नाम फिट कर सकते हो। सुनो, बोर्ड पे देखो, इधर सुनिए, तो ये एंगल कितना बच्चे? 90 डिग्री। साथ साथ में नहीं लिखना, आराम से बैठो। इस एंगल का नाम क्या? 90 डिग्री। एंगल आर क्या है फिलहाल? तो तीन एंगल का सम क्या होता है बच्चा? बोलो बोलो बोलो, 180 डिग्री। तो आर कितना है? तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एस प्लस के बराबर कितना हो गया? 180। माइनस कितना? कितना हो गया? इसका मतलब एस प्लस के इज इक्वल टू कितना? यदि हमारे ट्रेंगल में एक एंगल 90 डिग्री है, यदि हमारे ट्रेंगल में एक एंगल 90 डिग्री है, तो बाकी दो एंगल का सम जोड़ कितना होगा? 90 डिग्री। हम इस के को सामने भेज दें क्या? चलेगा? ओ आर और हम के को यहां रखें, एस को सामने भेज दें, चलेगा? तो रिलेशन बिटवीन टू अदर एंगल्स, ठीक है? इतना लिखिए अपनी कॉपी में। आप नाम चाहो तो चेंज कर देना, अपना नाम रख सकते हो। आपका नाम क्या है? स्पेलिंग बोलो। जेड डबल ई। पापा का नाम बोलो। डब्ल्यू डब्ल्यू ए जे आई डी। और सरनेम बोलो। खान। तो ये बच्चा क्या यूज कर सकता है? जेड डब्ल्यू के, ऐसा। तो आप अपनी मर्जी से अपना नाम यूज करो। चेहरे से हाथ हटा के बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो। अब मिटाओ, सुनिएगा, स्टार लगाकर ऐसा लिखो, हम, ऐसा लिखना, एच यू एम, हम, जिस, जे आई एस एस, एंगल, ए एन जी एल ई, को, के ओ, यूज करते हैं। अरे सोनू, इंक खत्म हो रही है मेरे पास, आखिरी शीशी बची है, मैडम को बोल दो बस, वो थोक में लेकर आती है। क्या? हम जिस एंगल को यूज करते हैं, उसकी अपोजिट साइड, उसकी सामने वाली भुजा, उसकी अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, लंब कहते हैं। अच्छा, एक खास चीज, मैं ये सेंटेंस चाहता तो इंग्लिश में लिखवा देता, ठीक, मगर मैंने हिंदी क्यों यूज किया, मैं उसका कारण बता देता हूं। आप बोलना कब सीखे होंगे, किस उम्र में? 3 साल। 3 साल तक जब आप घर में झूले में या बिस्तर में पड़े रहते थे, और आपकी दादी मम्मी किस लैंग्वेज में आपसे बात करती थी, जबकि आप जवाब नहीं दे पाते थे, मगर आप सुनते थे, कौन सी भाषा में? अले बेटा क्यों रो रहा है, कौन सी भाषा में? हिंदी। 3 साल तक तुमने सिर्फ क्या सुनी? That is your mother tongue. मम्मी आपसे इसमें बात करती थी।
तो आपके दिमाग के कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज बैठी है? हिंदी, इंग्लिश तुमने कब सीखी स्कूल में? और तुम्हें ऐसा महसूस होता है क्या कि स्कूल की टीचर को अच्छे से इंग्लिश आती होगी? नहीं ना? तो आपके दिमाग में गहराई तक याद रहने वाली चीज का नाम हिंदी है। लंबे समय तक आप भूलोगे नहीं। क्या लिखा अपन ने? हम जिस एंगल को यूज करते हैं उसकी अपोजिट साइड का नाम क्या? परपेंडिकुलर। मैंने जो लंब बोला वो भले मत लिखो आप, वो सिर्फ हिंदी मीडियम वाले के लिए, आपके लिए परपेंडिकुलर। ठीक, तो सुनिए, यानी कि ये एस आर और के है, तो यदि मैं एंगल यूज कर रहा हूं के, तो मैंने लिख दिया क्या? यूजिंग एंगल के। तो भाई साहब, इस एस आर का नाम होगा क्या? परपेंडिकुलर। अच्छा, खास चीज, ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट साइड इज हाइपोटेनियस। क्या इसका हिंदी नाम क्या? ठीक, मेरी बात सुनिए। तो ऑलवेज अपोजिट टू एंगल 90 डिग्री। आप देखिए, इन तीनों में देखिए, तुम्हें सबसे बड़ी साइड कौन सी दिख रही है? एस के, दैट इज, दिस इज व्हाट, ये कौन हुई? तो हाइपोटेनियस तो क्या हो गई? फिक्स, 90 डिग्री के सामने ही रहेगी, वो इधर उधर शिफ्ट नहीं होगी। शिफ्ट कौन हो सकती है भाई? मैंने कहा यूजिंग के, अब मैंने बोल दिया यूजिंग एस, तो परपेंडिकुलर मालूम कौन बनेगी? इसके सामने वाली। कौन? जनरली बच्चे के दिमाग में मालूम क्या रहता है? परपेंडिकुलर मतलब वर्टिकल। ये गलत है, चेहरे से हाथ हटाओ। मैं बार बार क्यों सीधे होने को बोल रहा हूं? नहीं मालूम? ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी, वो ऐसी छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी है क्या? इतना मानते हो? तभी तो हम मुड़ सकते हैं। इसको यहां से मोड़ के दिखाओ। ठीक, इन स्पाइनल कॉर्ड की छोटी छोटी हड्डियों के बीच में से ऐसे ऐसे सारी नर्व्स गुजर रही हैं। तुम किसी डॉक्टर से पूछ लेना। सारी नर्व्स कहां से गुजर रही हैं? इन हड्डियों के बीच में से। अब सुनो, जब आप झुकते हो तो क्या होता है? ये दोनों के बीच में गैप है। अब आप झुके आगे की तरफ, तो ये ऐसे होगी, ऐसे होगी। तो क्या हुआ एक्चुअली? नस दबी, ब्लड सर्कुलेशन रुक गया, दिमाग की तरफ जाने वाला ब्लड कम हो गया। पानी से पिचकारी मार रहे हो तुम गमले पे, और छोटा बच्चा पांव रख के खड़ा हो जाए उसके ऊपर, तो पानी बंद, इधर जाने वाला ब्लड कम हो जाएगा। तुम जितनी देर मुझसे पढ़ रहे हो, ये दिमाग में सेव नहीं होगा, इसलिए सीधे बैठो। चलो देखो, इधर मैंने क्या बोला? यदि मैं के यूज कर रहा हूं तो उसके सामने वाले का नाम परपेंडिकुलर, और इसका नाम क्या हो जाएगा? तो आर के क्या हो जाएगा? बेस का नाम। और यही ट्रेंगल है, ट्रेंगल यही है, मगर अब मैंने किसको यूज कर लिया? तो एस आर के लिखा है, तो ये सामने वाली साइड अब क्या बनेगी? परपेंडिकुलर। ये वाली साइड क्या बनेगी? हाइपोटेनियस। फिक्स है। अच्छा, तुम्हारे दिल में ख्याल आएगा,
यूजिंग के किया, यूजिंग एस किया, यूजिंग आर भी तो करो, तो आर के सामने वाला परपेंडिकुलर, नहीं नहीं, जो यूजिंग एंगल मैंने बोला उसके पास में जाके लिख दो नॉट 90 डिग्री, उसे 90 डिग्री नहीं होना चाहिए जिसको हम यूज करने की बात कर रहे हैं, ठीक है दादा। तो यहां पर बेस कौन बनेगा, बोलो बोलो, पहले हाइपोटेनियस फिक्स कर देता हूं। हाइपोटेनियस कौन, एस के, हाइपोटेनियस यहां पर भी कौन है, तो सुनो मेरी बात, परपेंडिकुलर डिसाइड हो गया, हाइपोटेनियस डिसाइड हो गया, जो तीसरा बचा उसका नाम क्या, तो आर के क्या हो गया, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस ये हो गया, तो बचे हुए का नाम क्या, एस। अच्छा, परपेंडिकुलर की डेफिनेशन क्या, इट इज अपोजिट टू यूजिंग एंगल। हाइपोटेनियस की डेफिनेशन क्या, इट इज लार्जेस्ट साइड इन द राइट एंगल ट्रायंगल व्हिच इज जस्ट अपोजिट टू राइट एंगल, ओ आर और 90 डिग्री। बेस की डेफिनेशन क्या, दिस इज साइड विच कंटेन यूजिंग एंगल एंड 90 डिग्री, क्या बी किसको कंटेन कर रहा है, फिलहाल यूजिंग एंगल कौन है, के, और 90 डिग्री इसको कंटेन करने वाले का नाम क्या, बेस। यहां पर बेस कौन है, ये है, इस समय यूजिंग एंगल कौन और ये कौन, तो वो साइड जो कनेक्ट कर रही है किसको किसको, यूजिंग एंगल एंड 90 डिग्री, अकेला 90 नहीं बोलना, इसको लिखो जल्दी फटाफट। अरे रुको रुको रुको, तुम्हारा फिगर गलत है, आपकी लाइन ऐसी सीधी आनी चाहिए, आपने पहले से ही हल्की सी तिरछी रखी है तो फिगर सारे गलत बनेंगे। अच्छा एक बात बताओ, पढ़ाई से रिलेटेड है, पांडव नाम सुना है महाभारत, पांडवों में सबसे बड़े भाई का नाम क्या था, अरे राम राम, लाहुल विलाकुवत, तुम्हें इतना भी नॉलेज नहीं है अपने धर्म का, युधिष्ठिर अपन लोग समझते हैं मगर एक्चुअली कर्ण था, याद करो, कर्ण पांडवों का भाई था और अर्जुन के हाथों जब कर्ण मारा गया तब उसकी माँ कुंती ने कहा था कि ये तुम्हारा सगा बड़ा भाई था, तो पांडवों में सबसे बड़ा कौन, कर्ण, हमारे ट्रायंगल में सबसे बड़ा कौन, ऐसा, इसलिए मैं हिंदी शब्द इंट्रोड्यूस करता हूं, सबसे बड़ी साइड कौन, कर्ण, मिटा दूं इसको, मिटा दूं, सब कुछ मिटा दिया जाए क्या बच्चा, बोर्ड पे देखना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सुनिए सुनिए, नहीं लिखना, आराम से बैठो, चेहरे से हाथ हटाओ, आप एग्जाम हॉल में आपकी कॉपी ले जा सकते हो क्या, ओ हेलो, क्या पूछा मैंने, ले जा सकते हो क्या, क्या ले जा सकते हो, दिस दिमाग, दिमाग ले जा सकते हो, मैं दिमाग में लिखना जानता हूं, मुझे लिखने दो, ये बैग को धक्का दे दो और सीधे होके बैठो, उस तरफ धक्का दे दो, उसको गिरने दो, सीधे होके बैठो, मुझे लिखने दो, आपके दिमाग में साइन थीटा, साइन थीटा क्या है, रेशो, रेशो ऑफ साइड्स, ये बैग इधर रख दो, ये बैग इधर रख दो, रेशो, रेशो ऑफ साइड्स, भुजाओं का अनुपात, मुझे एक बात बताओ, हम साइड को किस यूनिट में नापते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, फुट, तो मान लो कि ट्रायंगल की एक साइड है 3 सेंटीमीटर, दूसरी क्या है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ये क्या बन गया, कोई यूनिट नहीं, तो इन तीनों की
कोई यूनिट नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये क्या है? रेशो। किसके रेशो? साइड्स के। और साइड्स किस में नापते हैं? सेंटीमीटर। तो 3 cm/5 cm कट गया, तो दिस इज व्हाट रेशो। आपकी जेब में मान लो 500 रुपए हैं, मेरी जेब में 100 रुपए हैं, तो रेशो क्या हुआ? 5:1। बस अब रुपए थोड़ी बोलेंगे, ये मेरे से मान लो 5 गुना अमीर है, बात खत्म हो गई। अब चाहे डॉलर में बात कर लो, चाहे यूरो में बात कर लो, चाहे रुपीस में बात कर लो, यूनिट थोड़ी बोलेंगे, ये 5 गुना अमीर है बस। तो रेशो साइड्स का है, तो साइड की यूनिट क्या हो गई? कैंसिल। अब जो चीज बची वो क्या है? यूनिटलेस। अब हम इसके सामने मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर नहीं बोल सकते। चलिए हम मान लीजिए इसको थीटा यूज कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर कहां होगा? इसके सामने होगा। 90 डिग्री के सामने कौन होगा? और ये कौन? हिंदी मीडियम वालों को थोड़ी सी तकलीफ उठानी पड़ेगी। परपेंडिकुलर का नाम बता चुका हूं लंब, बेस का नाम बता चुका हूं क्या? आधार। और हाइपोटेनियस का नाम बता चुका हूं क्या? कर्ण। ठीक है, इंजीनियरिंग तो इंग्लिश में ही होगी, वो तो हिंदी मीडियम में नहीं होती। डॉक्टरी भी इंग्लिश मीडियम में होगी। तो आप इनकी जगह ये शब्द यूज करना अभी से शुरू कर दो। अरे हाँ ना, जितने भी लड़के होते हैं उनको पापा दुकान ले जाते हैं, बिजनेस सिखाते हैं थोड़ा थोड़ा, यदि खुद का बिजनेस हो तो। और सारी बहन बेटियों को मम्मी खाना जरूर बनाना सिखाती है। आगे जाकर जो जिसको करना है वो सिखाए, तो आगे जाके इंजीनियरिंग किस में होनी है? इंग्लिश मीडियम। तो हमको ये इंग्लिश शब्द सीखना चाहिए, है ना? तो मैं इंग्लिश यूज कर रहा हूं, आप दिमाग में कन्वर्ट कर लेना। चलिए, तो साइन थीटा क्या? परपेंडिकुलर अपॉन, ठीक है। कॉस थीटा क्या? अरे मत तो लिखो। और टेन थीटा क्या? अब बड़ी काम की बात, मैंने आपसे क्या कहा था? मेरे ट्रेंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी? तो हाइपोटेनियस के सामने परपेंडिकुलर और बेस कैसे? छोटे छोटे। तो ऊपर है छोटा और नीचे क्या है? तो छोटा अपॉन बड़ा, रिजल्ट 1 से कम कि 1 से ज्यादा? बोलो बोलो। मान लो कि 2/3, तो 2/3 कितना होता है? 0.66। 7/10 0.7। 3/5 0.6। सब कुछ कैसा है? 1 से कम, क्योंकि छोटा अपॉन बड़ा, छोटा अपॉन बड़ा, छोटा अपॉन, यानी कि ये क्वांटिटी हमेशा कैसी रहेगी? साइन थीटा और कॉस थीटा ऑलवेज लेसर देन 1। तो नहीं बचा, तो छोटा अपॉन बड़ा लिखा है तो वो हमेशा क्या होगा? 1 से कम। अब आप देखिए 9/3, ये बताओ कैसा है? 3 है, तो 3 मतलब कैसा? 1 से बड़ा। तो बड़ा अपॉन छोटा हो, हां, तो बड़ा अपॉन छोटा है तो कैसा होता है? 1 से बड़ा क्या? अरे हां हां। और छोटा अपॉन बड़ा है तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये स्कूल वाले डिस्कस नहीं करते, सीधे फार्मूले की लिस्ट सामने फेंकते हैं। तो साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा कैसे रहेंगे? तो साइन थीटा और कॉस थीटा,
साइन थीटा रहेगा माइनस वन से वन के बीच, और कॉस थीटा भी क्या रहेगा। मगर टेन थीटा सोचो, टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन दोनों में न जाने कौन छोटा न जाने कौन बड़ा, समझ रहे हैं आप बात को। तो फिगर आपका ऐसा भी तो हो सकता है, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये कैसा, हाइपोटेन्यूस। तो हुजूर बड़ा अपॉन छोटा, और कभी कभी छोटा अपॉन एनी, क्या ये वन से छोटा भी हो सकता है वन से। तो टेन थीटा के मामले में हम कहेंगे ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है, जबकि साइन थीटा कॉस थीटा बेचारे छोटी छोटी जिंदगी जीते हैं माइनस वन से प्लस वन। लिखे जल्दी फटाफट, थोड़ा स्पीड में लिखो बच्चा, आज अपनी क्लास भी लेट हो गई और मुझे बहुत कुछ समझाना पड़ा। अरे 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 रुको 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 रुको, मैंने साइन कॉस टेन लिखा, उसमें एक भी लेटर कैपिटल है क्या, तो तुम क्यों कैपिटल एस कैपिटल सी कैपिटल टी लिख रहे हो भैया। मिटा दूं अब इसको, याद कैसे रखेंगे, मेरे को तो याद है, आपको कैसे याद होगा। साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, पी अपॉन एच बी अपॉन एच और पी अपॉन बी, इस स्टाइल में लिखो, बड़ा बड़ा लिखना, एकदम साफ दिखाई दे। साइन का एस बड़ा मत बनाओ। हाँ कितनी अच्छी बात करी तुमने आज, हाँ तुम्हें भगवान लंबी उम्र दे, ऐसी दुआएं रोज पढ़ा करो। अरे हाँ कि ना, सुनो हम जब छोटे थे तो हमने ऐसा पढ़ा था, सुनो बच्चा सुनो सुनो सुनो, पंडित बद्री प्रसाद क्या अपॉन हर हर भोले, ये भैया ने अभी नया बताया मुझे, मुझे नहीं मालूम था। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो आप दोनों लिख लो, ऐसा लिखो पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले एंड पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन अपॉन क्या हिंदुस्तान हरा भरा। पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले और नीचे दूसरा क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। डंडना डंडन, आगे बढ़े, मिटा दूं इसको, मिटा दूं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कितने होते हैं, छह होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। साइन कॉस टेन कुजैक सेक कॉट, साइन का पूरा नाम एस आई एन ई है, कॉस का पूरा नाम कोसाइन है। को शब्द का मतलब क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सहयोगी संस्थाएं, ठीक ठीक ठीक। तो साइन को सपोर्ट करने वाली चीज का नाम क्या है, कोसाइन, और हम शॉर्ट में उसको कॉस कॉस कहते हैं। टेन का पूरा नाम टेंजेंट है, उसके सहयोगी का नाम को टेंजेंट है, हम सिर्फ कॉट कॉट करते रहते हैं। सीकेंट इसे क्या कहते हैं, सीकेंट सर्कल को काट के जाने वाली लाइन, दैट इज सेक। और इसकी सहयोगी का नाम कुजैक, ये इनके असली नाम है। अब आप सुनिए, साइन का रेसिप्रोकल है क्या,
तो कोजेक का रेसिप्रोकल अपने आप कौन हुआ? कॉस का रेसिप्रोकल कौन? तो इसका वन अपॉन कॉट, तो इसका नाम क्या? तो सुनिए, जिसका जो रेसिप्रोकल है उस पे मैंने एरो लगाया, वन टू थ्री, वन टू थ्री लिखना नहीं, वन टू थ्री, वन टू थ्री, अगले वन टू थ्री, पिछले वन टू थ्री के रेसिप्रोकल। तो साइन का रेसिप्रोकल कौन? कुजेक। अब इतनी खतरनाक चीज है, टीचर मालूम क्या कहता है, बच्चों इस पेज पर एक टेबल है, कल याद करके आना। ऐसे कैसे याद हो जाएगी? कुछ बताओ तो, परिचित तो करवाओ कि ये हमारे चाचा हैं, आज से हमारे घर में रहेंगे। एक्सप्लेन तो करो कि भाई ये व्यक्ति क्यों हमारे घर में रह रहा। मम्मी एक्सप्लेन करती है ना, दिस इज योर फादर, इसलिए हमारे साथ रहते हैं, है ना। तो हम उनको भगाते नहीं है कभी, रखते हैं कि रहो तुम यहीं पे, पैसे कमाते हो तुम, काम के व्यक्ति हो क्या। तो एक्सप्लेन तो करो कि ये क्या है, तब तो हम दिमाग में रखें इसे, हाँ कि ना। तो देखिए, साइन का फार्मूला क्या था? पंडित बद्री प्रसाद, क्या था? ऊपर ऊपर क्या और नीचे नीचे क्या? हर हर भोले। इन तीनों में क्या होगा? नीचे चले जाएंगे पंडित जी, नीचे कौन चले गए? पंडित बद्री प्रसाद। ऊपर कौन आ गए? आप ध्यान से देखिए, इतना सुंदर राइटिंग से लिखो और देख देख के लिख सकते हो, जिससे कि गलती ना हो, मगर छापना नहीं, समझना फिर भी। और थोड़ा जगह छोड़ छोड़ के लिखना, तो राइटिंग अच्छी दिखाई दे। ओ भैया, ओ भाई साहब, ओ भैया, रुको तो सही, रुको रुको रुको, साइन थीटा मैंने ऐसा लिखा है, इनने मालूम कैसा लिखा, अरे सुनो तो सही, इनने ऐसा लिखा, अरे रुको, ये एक व्यक्ति है और ये उसके कपड़े हैं, तो कपड़े कैसे चलते हैं इंसान से? चिपक के क्या? एक फीट दूर रख के चलते हैं क्या? कि अरे कपड़े नहीं पहनना, प्रेस खराब हो जाएगी, है देख लो हमारे पास इतनी अच्छी साड़ी है, पहन के चलते ना, तो इतनी दूर दूर काहे को लिख रहे हो तुम, थोड़ा जल्दी लिखो। कुछ गलत हो गया? क्या गलत हो गया? हाँ, अरे खान ये ले, भावनाओं को समझो यार। अरे यस यस, बता दूं, पाइथागोरस थ्योरम से परिचित हैं? कब पढ़ाई गई है आपको? नाइन्थ में, नाइन्थ में पढ़ाई थी, सिक्स में, हाँ उस स्टाइल में लिखो तुम, पाकिस्तान भूखा प्यासा नीचे नीचे नीचे, हिंदुस्तान हरा भरा ऊपर ऊपर ऊपर, भाई उन तीन में ऐसा, इन तीन में ऐसा, मत लिखो ना, मैंने भी वैसे ही लिखा था, याद करो, मैंने छापा थोड़ी था। हाँ वो ठीक है, वो जो लिख लिया वो ठीक है, आगे का सोचो। डन डन डन, मिटा दूं इसको, मिटा दूं, ये सब तो लिख लो, कहीं और लिख लो, जगह कम हो तो कहीं और लिखो, उसके बगल में मत लिखो, नीचे लिखो कहीं और, लिखो ना, लिख लिया तो एक लकीर खींच दो यहां से वहां तक कि ये दोनों चीज अलग अलग है। पाइथागोरस थ्योरम किसने इन्वेंट करी थी? ना रे बाबा, अंग्रेज चुरा के ले गए, आप पता कर लेना हिस्ट्री में, ठीक। देखिए साहब, ये क्या थी बताइए? हाइपोटेनियस स्क्वायर इजिकल टू, अब देखना आप जादू देखना, डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर,
पूरे को काय से डिवाइड लगाया, चेहरे से हाथ हटाओ, तो ये हो गया वन, क्या हो गया पी स्क्वायर अपॉन क्या, बी स्क्वायर अपॉन क्या, पी अपॉन एच कौन था, अभी पढ़ रहे थे ना पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, तो पी बाई एच देखो कौन है, तुम यो लिख लिया करो पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले साइन कोस टेन, तो पी बाई एच कौन है, बी बाई एच, रटवाते हैं डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर, वही लिखना नहीं, तो एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन क्या, एच बाई पी कौन था, कुजेक सेक कॉट, तो एच बाई पी कौन, बी बाई पी कॉट स्क्वायर थीटा, क्यों रटे भाई, मैथ सबसे सरल सब्जेक्ट है यदि समझा दे कोई, और ना ही कोई समझा पाया तो बच्चे इसके नाम पे आत्महत्या भी करते हैं। डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर क्या, तो बोलो एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस क्या, तो एच बाई बी बताइए कौन होगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, बोलो बच्चा ठीक, देखना लिखने की स्पीड देखना, इधर देखो पहले एक मिनट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, कुजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, अब ये तीन कहलाती है आइडेंटिटीज, क्या मतलब, इट इज ऑलवेज करेक्ट, आप थीटा कुछ भी यूज करो, चेहरे से हाथ उड़ाओ, तो इसे रटवाया जाता है, और मैं नहीं रटवाऊंगा, मैं ऐसा डेरिवेशन भी याद नहीं करवाऊंगा, मेरा बच्चा डायरेक्ट लिखेगा, आधी रात को नींद में उठा के उसे पूछ लो सही आंसर बोलेगा, देखो कैसे, यहां साइन यहां कॉस यहां टेन यहां कुजेक यहां सेक यहां कॉट प्लस माइनस माइनस स्क्वायर 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 वन वन वन, देखना ये तीन है क्या, इतनी स्पीड में तो कोई नहीं लिख पाएगा, कल सिखाऊंगा परसों मतलब वो जादू, और जो पूरी टेबल है ना गंदी सी टेबल जिसको तुम्हारे टीचर 1 2 3 4 लिखने के बाद 2√2 से डिवाइड करते हैं, नहीं करना पड़ेगा, आपको सामने वाला क्वेश्चन बोलेगा और आप डायरेक्ट आंसर बोलोगे, मतलब cos 60 डिग्री किसी ने पूछा तो सीधा 1/2 cos 30 √3/2, सोचना नहीं पड़ेगा, जैसे अपन ने किसी छोटे बच्चे से पूछा हे बता 3/7 जा, तो मालूम वो सोचता है 3 1 3 3 2 पूरा टेबल मन में पड़ता है, फिर चिल्लाता है 21, वो बच्चा काम का, या किसी से अपन डायरेक्ट पूछे 3/7 जा और वो 21 बोल दे बिना कुछ सोचे, कौन काम का, सेकंड वाला, तो स्कूल में साइन 30 कॉस 60 याद करने के लिए एक टेबल लिखवाते हैं 1 2 3 4 लिखवाते हैं, फिर 2√2 से डिवाइड करते हैं, फिर कहते हैं उसको रेसिप्रोकल कर लो, फिर कहते हैं दो को आपस में डिवाइड कर लो, इतना टाइम थोड़ी है किसी ने हमसे 10 30 पूछ लिया तो, हम तो 1/√3 डायरेक्ट बोलेंगे, तो ये और ये अगली क्लास में, ठीक, अगली क्लास में आप सभी का स्वागत है, आपके दोस्तों का भी स्वागत है, 15 दिन 20 दिन कोई चिंता नहीं, आराम से पढ़ो बेफिक्र,
एक आध चैप्टर मुझसे पूरा पढ़ लो, फिर अपनी सारी बुक्स सॉल्व करके देखना, फिर आपको लगे कि यह व्यक्ति अच्छा पढ़ाता है तो फीस मांगूंगा, नहीं तो मत देना। यस अच्छा, मैं अभी टाइम कम है, ये ले लो आप लोग, तुम तो ले लो, सब कुछ ही दूसरों को दे दोगे हैं, इतने दानी कर्ण भी नहीं था। ये क्या मैंने दिया आपको, सुनिए, ये इस साल का, अभी का, आज 10 अप्रैल है, यहां देखो लिखा है सॉल्यूशन ऑफ JEE मेन पेपर हेल्ड ऑन 2 अप्रैल, मतलब एक हफ्ते पुराना IIT JEE का जो पेपर हुआ था उसका सेम डे लगभग एक घंटे में सॉल्यूशन अपन ने वेबसाइट पे भी चढ़ाया और फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे भी भेजा। क्वेश्चन पेपर यहां पर है, ये रहा, ठीक, यहां पर हमारा हैंड रिटन सॉल्यूशन, ठीक। दूसरी चीज, ये एक पेपर आप लोग ले लो, पढ़ो इस बुक में क्या लिखा है, पेज में क्या लिखा है। ये जो बुक है SL लोनी, ये देखिए, सिडनी लंस्टन लोनी, अमेरिकन राइटर, 1887 में बुक लिखी है, कब, कितनी पुरानी बात हो गई। इस बुक के बाहर कुछ नहीं जाता, तुम्हारी RD शर्मा भी इस बुक में से बनी है। जब मैं आपको ये गिफ्ट करूंगा ना, घर जाके RD शर्मा मिलाना, सारे क्वेश्चन इससे मैच होंगे। अब ये बुक कब लिखी गई, 1887, कितने साल पुरानी बात हो गई, 125। ये व्यक्ति जिंदा होगा क्या, RD शर्मा तो जिंदा है ना, तो चोरी किसने करी, यदि क्वेश्चन मैच हो रहे हैं तो चोर कौन। मैं आपको ये सभी बुक्स भी गिफ्ट करूंगा। ये बुक होती है काई की, IIT के सारे ओल्ड पेपर चैप्टर वाइज, और जो जो क्वेश्चन टेंथ से रिलेटेड है, ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, मतलब AP, ये आपसे अभी इसी साल बनने लगेंगे सब। ये सर्कल और आपका सर्कल अलग अलग है, प्रोबेबिलिटी ये रहा, ठीक बच्चा। तो अगली क्लास में मैं पैकेज भी आप लोगों को बांट दूंगा, ठीक है। रेड बुक नहीं मिली क्या आप लोगों को, ये रेड बुक बाहर से लेते हुए जाना जिसको ना मिली हो, ठीक है। थैंक यू, कल जरूर आइएगा 4 बजे वाली क्लास में, और आपके फ्रेंड्स को भी इनवाइट कीजिए, जिससे कि ज़्यादा बच्चे हो तो सारे बच्चे डाउट पूछेंगे तो सबको फायदा होगा। थैंक यू, थैंक यू, गुड डे।